हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्नर जोन्स। लेट्स क्रैक के अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने चैप्टर टू की बात करेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के एक्ट्स की अब हम बात करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट आपको समझाया था कि 1773 से कहाँ तक एक्ट चले, फिर 1858 से कहाँ तक चले, फिर 1909 से 1948 तक क्या हुआ, फिर 1947 में क्या हुआ। इन एक्ट को डिटेल में पढ़ने की बारी आती है। तो सबसे पहले कंपनी रूल का जो एक्ट था हम उसकी बात करेंगे कि जब कंपनी रूल था तो किस तरीके के एक्ट थे। तो पहला था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पहला क्या है यहाँ पर, अब क्या हो गया कि अब इन्होंने पहली बार कोशिश की है कि कंट्रोल करें, रेगुलेट करें अफेयर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के। भाई ईस्ट इंडिया कंपनियां बहुत बड़ी हो गई है, टेरिटरीज इनकी बढ़ती जा रही है, रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, माल प्रैक्टिसेस बढ़ती जा रही हैं, करप्शन बढ़ता जा रहा है, ब्रेवरी बढ़ती जा रही है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज किया। अभी तक क्या था, बॉम्बे मद्रास एंड कोलकाता अलग अलग प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, अब इनको मर्ज करने की बात की जा रही है। तो इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे इनको इन्होंने टाइटल दे दिया, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का टाइटल दे दिया और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी 4 मेंबर्स की जो इनकी मदद करेगी। और पहली बार जो ऐसे गवर्नर जनरल वाले उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी पहले इंडिपेंडेंट थी, अब इन्हें सबॉर्डिनेट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर। इसके बाद बेटा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में खोला 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस होंगे। ये जनरली कंपनी के अफेयर्स को ही सॉर्ट आउट करती थी इनिशियल फेज में। इन्होंने प्रोहिबिट कर दिया किसी भी सिविल सर्वेंट को कंपनी में किसी भी प्राइवेट ट्रेड और किसी भी ब्राइबरी को लेने के लिए, बिल्कुल डिनाई कर दिया। इन्होंने स्ट्रेंथन कर दिया कंट्रोल। अब ये क्या हो गया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश की है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के थ्रू। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बेटा इन्होंने एस्टेब्लिश की और इसके थ्रू उन्होंने ये कहा कि भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अब हमें रिपोर्ट देंगे किस चीज की, रेवेन्यू इनका कैसे जा रहा है, सिविल इनके मैटर कैसे हैं और इनके मिलिट्री अफेयर्स क्या चल रहा है, इनके बारे में टोटल रिपोर्ट देने का काम ये एजेंसीज अब करेंगी। इसके बाद फिर फर्दर रेगुलेशन में ये आए पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया बेटा, इसने इसमें अफेयर्स जो थे डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का आ गया, ठीक है। इंडियन अफेयर्स केम अंडर टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब इन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिया कि कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन कंपनी के क्या होंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अलाउ किया गया कि आप बेटा एक काम करिए, आप कमर्शियल पर्पसेस देखिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पार्लियामेंट की तरह काम करेगी ये पॉलिटिकल अफेयर्स देखेगी। इस तरह इन्होंने ड्यूअल सिस्टम बना दिया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कह रही है, आप कमर्शियल अफेयर्स देखिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं ये पॉलिटिकल अफेयर्स देखेंगे। तो जाहिर सी बात है एक एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है और दूसरा आपका बिजनेस एंड ट्रेड एंड ऑल देख रहा है। तो अब इस तरीके से इन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट का पहला कॉन्सेप्ट दे दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इनपावर किया, इसमें 6 मेंबर्स डाले जो सुपरवाइज करते थे सारे ऑपरेशन, सिविल मिलिट्री गवर्नमेंट रेवेन्यू जितने भी ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया थे उनको, ठीक है। और इससे पहली बार ड्यूअल गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट का कॉन्सेप्ट आया। अब इसने क्या क्या किया, पहली बार पॉलिटिकल फंक्शन कमर्शियल फंक्शन को अलग किया। कंपनी की टेरिटरीज को पहली बार ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया बोला गया। ये 2 फैक्ट्स आपको यहाँ से इजिली टैकल करने को मिल जाते हैं। फिर 1813 आया, इसमें क्या किया, इनकी मोनोपोली खत्म कर दी गई कंपनी की कि अब ट्रेड जब आप करेंगे तो अब आप कभी भी करिए, ब्रिटिश अदर मर्चेंट जो हैं अब वो भी ट्रेड करेंगे। फिर भी इनका ट्रेड मोनोपोली चाय पर और चाइना के साथ जो था इसको नहीं खत्म किया गया। इसके बाद इनकी सॉवरेंटी जो थी ब्रिटिश क्राउन की वो कंपनी के ऊपर आ गई, जितनी टेरिटरीज थी उन पर रूल ये करेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंडरगढ़। क्रिश्चियंस को अलाउ कर दिया गया, मिशनरीज आएंगे अपने रिलीजन के बारे में लोगों को बताएंगे और स्प्रेड करेंगे। इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करने की कोशिश की, ठीक है। तो ब्रिटिश टेरिटरी और इंडिया में इन्होंने ऑथराइज किया लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्स ऑन पर्संस, व्यक्तियों पे कर लगने लगा। दे कुड ऑल्सो बी पनिश्ड इफ पर्सन इज नॉट पेइंग टैक्स, ये इसे पनिश भी कर सकते हैं अगर व्यक्ति कर नहीं देता तो। इसके बाद 1833 के एक्ट में क्या हुआ, अब पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बने थे अब उनको बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया और ऐसे पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। अब गवर्नर जो बंगाल और मद्रास के थे, ठीक है, उनको उनकी लेजिस्लेटिव पावर से डिप्राइव कर दिया गया, लॉ बनाए गए, ठीक है। अब जो लॉज बनेंगे इस प्रोविजन के अंतर्गत कॉल्ड एज रेगुलेशन वाइज लॉज मेड अंडर
दिस एक्ट वर कॉल्ड एज एक्ट। अभी तक जो लॉज प्रीवियस बने थे उनको रेगुलेशन बोला जाएगा, और अब जो बनेंगे उनको एक्ट बोला जाएगा। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल बॉडी की तरह सारी एक्टिविटीज खत्म कर दी, अब ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई। इट प्रोवाइडेड कंपनीज टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना, जो ये क्वीन के नाम पर और उनके सक्सेसर के नाम पर टैकल करती रहेगी। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्ट करा गया था ओपन कंपटीशन सिलेक्शन सिविल सर्विसेज का स्टार्ट करने के लिए। इंडियन शुड नॉट बी बार्टेड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस। यहाँ पर कंपनी ने कहा इंडियंस भी इस चीज को कर सकते हैं और वो भी एग्जाम में पार्ट ले सकते हैं। बाद में इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अपोजिशन के बाद वापस ले लिया गया। मतलब पहला प्रयास किया गया था कि इंडियंस भी सिविल सर्विसेज में आ सकते हैं, पर उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अपोजिशन के बाद वापस ले लिया गया। 53 में क्या हुआ, लास्ट ऑफ सीरीज है चार्टर एक्ट के पार्लियामेंट में, जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुआ 1793 से लेकर 1853 तक, उसमें कई कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क दिखते हैं, है ना। तो इस एक्ट ने उन सब चीजों को और आगे बढ़ाया, जैसे फर्स्ट टाइम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, है ना, पहली बार अब सेपरेट किए गए, अब दिखाया गया। इन्होंने प्रोवाइड कराए 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए अभी क्या था, गवर्नर जनरल को दोनों काम करने पड़ते थे, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, तो इनका थोड़ा बर्डन दूर करने के लिए काम किया गया। इन अनदर वर्ड इज एस्टैब्लिश द सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना, विच केम टू बी नोन एज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। गवर्नर जनरल काउंसिल से अलग एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जो कानून बनाएगी। दिस लेजिस्लेटिव विंग्स ऑफ काउंसिल फंक्शनड एज द मिनी पार्लियामेंट, एक लघु संविधान की तरह, लघु संवैधानिक सभा की तरह काम करेगी, अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जिस तरह ब्रिटेन में पार्लियामेंट थी उसी तरह। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम फॉर द सिलेक्शन एंड द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विडेंट, है ना, कन्वेंटेड सिविल सर्विसेज, दस थ्रोन ऑफ द ओपन फॉर इंडियन ऑल्सो। बट ये जॉर्जे बाय मैकेले कमेटी थी उसके थ्रू हुआ था जो 1854 में आई थी, बट अभी भी लंदन में ही होगा पेपर। इट एक्सटेंडेड कंपनी रूल एंड अलाउड टू रिटेन पोजीशन एंड द थ्रस्ट ऑन द ब्रिटिश क्राउन। इन्होंने अपने टेरिटरी के पोजीशन को आगे बढ़ा दिया कि आप ब्रिटिश क्राउन के अंडर इंडिया के पोजीशन पे रूल कर सकते हैं, बट कोई पर्टिकुलर पीरियड नहीं दिया इस चार्टर में जैसे प्रीवियस पीरियड में दिया। तो ये क्लियरली लिंक करता है कि आने वाले टाइम पे अगर पार्लियामेंट चाहे तो आपसे सारे पोजीशन छीन सकती है। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स होंगे गवर्नर जनरल काउंसिल में। 4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाय लोकल प्रोविंसेस, गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। मजेदार बात है, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड आगरा से तो आएंगे, बट ये होंगे लोकल प्रोविंसेस, बट होंगे इंग्लिश। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया, पर अभी भी यूरोपियंस का। तो ये बेसिक 1853 तक के एक्ट्स की बात है, बहुत इजीली है, बहुत नॉर्मल है, अगर आप इसे ठीक से पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी इश्यू है तो प्लीज बताइए, अगले वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।